और हम लोग सर्विस के लिए जा रहे हैं अभी। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ऑल टोटल मेरे को पड़ गया वही 1,50,000। होप करता हूँ आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं राउरकेला से वापस आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं 1 वीक रुका था, बट आपको वीडियो इसलिए मिल रही थी क्योंकि मैं पहले ही वो सब शूट कर चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ राउरकेला जाना है और वहाँ मैं बहुत ही मुश्किल से कुछ वीडियो बना पाता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मैं वहाँ बना पाता वीडियो, बाइक सब तो थे बट मैं वहाँ वीडियो बना नहीं पाया। और हम लोग सर्विस के लिए जा रहे हैं अभी इस बाइक का, जैसे मैं पहले ही बोला था कि इसका सर्विसिंग का टाइम हो चुका है। तो ये देखिए अभी तो यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस लिख रहा है और बाइक भी 1,017 किलोमीटर चल चुकी है। तो जाते हैं जल्दी और हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकल चुके हैं। लगभग हम लोग को पहुँचना है 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे वहाँ सर्विस सेंटर खुल जाती है। तो जल्दी से जाएंगे हम लोग और जल्दी से इसका सर्विसिंग कर देते हैं और देखते हैं इसका कॉस्ट कितना आता है, कितना आएगा पता नहीं। और अगर आप लोग ओन करते हो ड्यूक 390 तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके फर्स्ट सर्विसिंग में कितना खर्चा हुआ था। भाई देखते हैं क्या होता है। और इधर का मौसम देखिए भाई, कोहरा है, ठंड भी लग रहा है, बट इधर का ठंड कुछ नहीं है। भाई गांव गया था लिटरली भाई, उधर तो भाई 10 बजे तक मैं रूम से ही नहीं निकल रहा था, इतना ज्यादा ठंड है उधर। अगर राउरकेला तरफ से कोई देख रहे होंगे वीडियो नहीं तो उनको पता होगा उधर कितना ठंड है भाई, खतरनाक टाइप का उधर ठंड है। और गबरा बॉय और सुरेंद्र पहले ही जा चुके हैं, सुरेंद्र की बाइक में भी कुछ दिक्कत है, ABS में कुछ दिक्कत है, तो वो भी दिखाने के लिए निकल गया है ऑलरेडी। और गबरा बॉय का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो दोनों पहले ही निकल गए हैं। और गबरा बॉय का एग्ज़ाम जल्दी था तो मैं बोला कि तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं बाद में निकल रहा हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं 1 वीक के लिए गया था गाँव, बट जैसे ही वापस आया और ये बाइक ऐसे ही खड़ी थी, कोई तो चलाता नहीं था, बट जैसे ही मैं आया और इसको स्टार्ट किया भाई, एक सेल्फ में स्टार्ट भाई, खतरनाक लगा वो। फिर इसको थोड़ा बहुत कल ही चलाया मैं भाई, आते साथ ही इसको देख के जो प्यार आया ना भाई, इसको फिर चलाया थोड़ा और 1000 तो ऐसे ही हो ही गए हैं। क्योंकि गांव जाने से पहले कितना हुआ था, वही 990 किलोमीटर हुआ था। हाँ, और कल हम लोग 30 किलोमीटर घूम चुके यहीं सिटी में। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए कहीं जाऊंगा उसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाऊंगा कि ये बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं। अभी हम लोग मालतीपाटपुर होके जा रहे हैं, देखते हैं KTM की सर्विसिंग कैसी रहती है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे वो भी। तो ठीक है गाइस, जल्दी हम लोग निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे सुरेंद्र वेट किया है और लेट नहीं करते हैं, जल्दी से निकलते हैं। One eternity later. तो गाइस अभी हम लोग भुवनेश्वर आके पहुँच चुके हैं, ये देखिए इधर हम लोग अभी जाएंगे, बच्चे लोग का रिएक्शन देखिए। एक खतरनाक होते हैं भाई, खुश हो गए। रिएक्शन खतरनाक टाइप का बच्चे लोग का मिला। रेप तो करना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कर दे रहा हूँ बच्चे लोग का खुशी के लिए। अरे भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। भाई मजा आ गया, ये बच्चे लोग जब खुश होते हैं ना तो भाई कंट्रोल के बाहर है, मैं रुक जाता हूँ उन लोग के लिए। और फ्यूचर में यही लोग जाके बाइकर बनेंगे, तो भाई ये क्रेज रहना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए बाइक के लिए।
जितना प्यार बढ़ेगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही बड़े बाइक देखने से भाई हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। जैसे कि अभी भी हम लोग जब सुपर बाइक देखते हैं भाई क्या खुशी मिलती है भाई, वो जो साउंड सुन के बहुत ही मज़ा आता है, मस्त लगता है। तो इनके लिए बस थोड़ा सा मैंने रेव कर दिया क्योंकि इनको भी अच्छा लगे, ये भी थोड़ा इंजॉय करे। आज के दिन पूरा बन गया मेरा। तो गाइस फाइनली ये सुरेंद्र आके पहुंच चुका है और अभी हम दोनों जाएंगे केटीएम शोरूम, सॉरी केटीएम शोरूम नहीं, केटीएम सर्विस सेंटर जाएंगे। और इसका वो जो एबीएस का जो इशू है वो तो अभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि था जो पार्ट्स चाहिए था वो आया नहीं है अभी तक, और 2-3 दिन लगेंगे तो उसके बाद ही इसका बाइक का काम हो सकता है। भाई इधर क्या ट्रैफिक है यार, खतरनाक ट्रैफिक ब्रो, पजेरो खतरनाक लग रहा है ये। भाई 10:10 हो गया है, देखिए 10 बजे पहुंचना था, हम लोग कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, पता नहीं क्यों यार क्यों। भाई क्या चलाते हैं यार यहाँ, ऑटो वाले भैया तो भाई इन्हीं का रोड है ये। हाँ ये भी घुस जाओ वो भी घुस जाओ भाई सब घुस जाओ। अरे भाई चलना यार, ये बाइक वाला भी घुस गया। अरे यार हो क्या रहा है ये, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, क्या करना चाहते हैं भाई पता नहीं। लेट तो हो रहा है, ऊपर से ये लोग और भी लेट कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस मैं डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे, और अभी लेट नहीं करते हैं जल्दी जाते हैं। तो अभी हम लोग सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं, जहां से मैं डिलीवरी लिया था वहीं पे जा रहा हूं, केटीएम मंचेश्वर। बच्चे लोग खुश। तो ये फाइनली आके हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, 10:30 बजे, हम कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओए उधर जाना पड़ेगा, जाता हूँ तो क्या हुआ, अब पहले नंबरिंग तो कर लूँ, नंबरिंग तो पहले कर लूँ। अबे अनजाने लोग को ऐसे ही गुस्सा देते हैं। ओहो क्या सेक्सी लग रहा है वे बाइक को देखो, ओह माय गॉड। अरे नंगा पुंगा ही सब सुंदर दिखते हैं। तो अपना बाइक ये अंदर आ चुकी है, ये देखिए अभी इसका स्टार्ट होगा सर्विसिंग। छोटा सा जगह है बट चलेगा, मैं वो आपको टाइमिंग वीडियो में दिखा दूंगा इसका प्रोसेसिंग वीडियो, कैसे सर्विसिंग क्या होता है, और बाद में बताऊंगा इसका कॉस्ट कितना आ रहा है।
20 minutes later. तो गैस अपने बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, पूरा कंप्लीट हो गया है, बाइक वाइक पूरा धुल गई है। तो अभी हम लोग निकलेंगे, तो मैं रास्ते में आपको कहीं पे रुक के बताऊंगा इसका कितना क्या खर्चा हुआ, वो सब के बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो अभी हम लोग पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो इधर से जाएंगे, इधर से वही तो। सर्विसिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, KTM मंचेश्वर भाई थम सब बढ़िया काम किया। तो अभी हम लोग जाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, अभी तक हम लोग खाए नहीं हैं, टाइम हो रहा है 12 बज चुका है भाई। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं कहीं पे रुकूंगा खाली जगह पे, और वहाँ पे आपको इसका कितना खर्चा हुआ वो सब के बारे में आपको बता दूंगा। तो ठीक है गाइस, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो गैस हम लोग पूरी आके पहुँच चुके हैं, और हम लोग रास्ते में जानबूझकर नहीं रुके, और जब भी हम लोग रुकते हैं तो भाई हम लोग का लेट नाइट हो जाता है, और अभी ठंड का मौसम है तो क्यों भाई बेकार में ठंड जलना, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और मैं सोचा चलो पूरी में ही बता देता हूँ आप लोग को, तो मैं आपको पेपर सब दिखा देता हूँ कितना खर्चा हुआ। ओके, ग्लोव्स मैं अभी रखा हूँ जस्ट, ओके मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, रुक जा भाई। तो ये रहा पेपर, और आप लोग देख सकते हो किस चीज़ का कितना पैसा पड़ा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंजन ऑयल का हम लोग को पड़ गया कितना, वही 1580 रुपया, और एक रिंग रहता है वो भी डाला गया जो यहाँ पे लगती है यहाँ पे, तो उसका है 6 रुपीज़, और ऑयल फिल्टर का पड़ गया हम लोग को 79 रुपीज़। तो ऑल टोटल हम लोग का खर्चा हुआ 1665 रुपीज़, और इसके साथ में मेरा और एक खर्चा हुआ जो कि रहा ये, तो इसका आप लोग देख सकते हो 1352 रुपीज़, और ये खर्चा है बाइक की वारंटी की। तो इसको मैं और 2 साल एक्सटेंड करवाया हूँ, तो उसका मुझे पड़ गया कितना 1352 रुपया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी वारंटी हो गया है मेरा 2026 तक, पहले थी 2024 तक। तो यही सब खर्चा हुआ, तो ऑल टोटल मेरे को पड़ गया वही 3000। अगर आप लोग वारंटी एक्सटेंड नहीं करोगे तो आप लोग का बस खर्चा होगा 1665 रुपीज़। तो वारंटी एक्सटेंड करने के वजह से मुझे देना पड़ा 3000, वरना तो आपका वही कितना, वही 1700 के अंदर में आपका सब लिपट जाएगा। तो इतना ही खर्चा हुआ मेरा भाई, पूरा टायर्ड हूँ तो शायद पता नहीं कैसा सुनाई दे रहा होगा। तो बस मेरा इतना ही खर्चा हुआ, 3000 खर्चा हुआ आज। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।